मौतक और हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं जितेंद्र कुमार गोयल जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं इंदारा वार्ड से, 13 इंदारा वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं, सर आप चुनाव जीत गए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप काफ़ी गंभीर हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आप जाना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि मैं उनको गिना नहीं सकता, लेकिन कुछ मुद्दे जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आने जाने के लिए रोड है, बेरोजगारी है, जनता की जो मूलभूत समस्या जो कि सुबह से शाम तक मेहनत करके जो शाम को पेट अपना भरता है, ये सब तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच गया और मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को आपके बीच उठाने का प्रयास करूंगा और अपनी बड़े जो जिले की सबसे बड़ी सदन है जिला पंचायत की, वहाँ इन मुद्दों को उठाऊंगा। मैंने बेहतरी के साथ उठाया भी और उसका रिस्पांस भी कुछ देखने को मिला, लेकिन जो वर्तमान सरकार चल रही है उस सरकार की जो नीति है और नियत में बिल्कुल खोट है, कहीं से भी नहीं लगता कि यह सरकार जनता को उनकी समस्याओं से उबारना चाहती है। केवल इस सरकार की मंशा यह है कि जो गरीब है उनको गरीब बना दें और जो अमीर है उनको अमीर बना दें, यही सरकार की सबसे बड़ी पहचान कह लीजिए, पहल कर लीजिए। चूंकि हम तो चुनाव निर्दल जीते थे, किसी सरकार किसी पार्टी का मुझे समर्थन नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि पूर्ववर्ती सरकारों को भी मैंने देखा, इस सरकार को भी देखा। पूर्ववर्ती सरकारें जरूर भ्रष्टाचार में लिप्त थीं, लेकिन वर्तमान सरकार को तो मैंने देखा कि उससे भी कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए कि वो सरकारें ये थी कि जो देश का प्रदेश का पैसा था उस पैसे में विधिवत काम भी किया और लूटा भी, लेकिन यह सरकार तो काम भी नहीं किया और पता चला कि देश के खजाना को एकदम से बेच दिया। आज देश का खजाना जो बिल्कुल हम लोगों का पड़ा हुआ था कि कभी बहुत महामारी आएगी, चाहे कोई इस तरह से वैश्विक समस्या आएगी, उस समय रिजर्व बैंक के पैसे को वहाँ यूज किया जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक के करके मैं समझता हूँ कि हजारों लाख रुपया को निकाल करके, लेकिन उसके बाद भी जनता त्रस्त है, जनता की समस्याओं को इन्होंने सुलझा नहीं पाया। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं रेलवे को भी बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रोडवेज बेचा जा रहा है, और अब स्थिति आ गई कि जितनी पुरानी मिलें थीं उनको भी बेच दिया, उनकी ज़मीनों को बेच दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश को भी अगर यह सरकार बेच देगी तभी जनता की समस्या जो है खत्म नहीं हो पाएगी। क्या लगता है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती है हमने बहुत हुआ, जब सरकार बनी थी बीजेपी की, जैसे आपने सरकार को टारगेट किया, और कहीं जाहिर सी बात है जो सत्ता में सवाल उसी से किया जाएगा, जो पिछले थे उन्होंने क्या किया ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप सत्ता में आए थे, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गरीबों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। जब भी गैस सिलेंडर थे 400 साढ़े 400 था, मगर 50 रुपया बढ़ता था तो सभी लोग पूरी बीजेपी के लोग आ जाते थे सड़क पे माला बनाकर सिलेंडर का, आज 1000 रुपया भी है और बहुत हुई महंगाई की मार, ये सारे नारे क्या लगा है आपको, ये जनता को छलने का काम किया था क्या? देखिए, यह तो यह मान लीजिए कि जनता को छलने का ही काम नहीं किया, बल्कि उसको जो मूल उसका जो स्तर था उसको भी खत्म करने का प्रयास कर दिया। जैसे अगर कोई गरीब आदमी क्षेत्र में घूम घूम करके लकड़ी बीन लेता था, पुआल से भी खाना बना लेता था, कूस कतरा काट करके ला करके खाना बना लेता था, लेकिन गैस सिलेंडर की ऐसी लत ला दी गई कि वो सारे सिस्टम उसका खत्म हो गया, और गैस सिलेंडर के चक्कर में आज पता चला कि उसका गैस सिलेंडर उसके घर में वैसे पड़ा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं कि वो गैस सिलेंडर भरा ले। तो स्थिति यह है कि सरकार जो है मूल समस्याओं को खत्म करने के लिए उनके जो पूर्व में जो रोजगार थे उसको भी खत्म कर दिया। यहाँ तक देख लीजिए आप कि डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, जब 70 रुपया डीजल था और लगभग 70-75 रुपया पेट्रोल था तब भी और आज भी, चूंकि देखिए ये सही बात है कि पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है तमाम जगहों पर, लेकिन आवश्यकता हमारी आविष्कार की जननी होती है, हमको जब आवश्यकता है तो उसको हम लेना उचित समझेंगे, चाहे वो मतलब पाँच सौ ये पाँच हुआ, सौ मतलब ये हुआ कि हमें अगर मैं रो नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे भूख नहीं लगी भूख नहीं है। लगे जी, यही मेरा कहना है कि मेरी आवश्यकता है अभी, किसी कोई मैयत हो जाए, कहीं रिश्तेदारी जाना है, आवश्यकता है तो भले 500 रुपया लीटर तेल है, मेरी मजबूरी है जाकर के लूंगा, नहीं चाहे वो नहीं लाइन लगा करके ले चाहे जैसे ले, लेकिन सरकार उसको समझ रही कि लोग लाइन लगा रहे इसका मतलब महंगाई नहीं है, ऐसा नहीं, महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है
कि अगर हम लोगों का बस चले तो सरकार को इसे उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन रीजन क्या है कि जैसे ही आप सरकार को उखाड़ने का प्रयास करेंगे, रोड पाने का प्रयास करेंगे, तो आपके ऊपर आंसुका लग जाएगा, आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा और आप जो पुनः जो धरना प्रदर्शन, चाहे रोड जाम, चाहे समस्याओं को उठाने से पीछे हट जाएंगे। यही स्थिति आज भरपूर चल रही है, पूरे हमारे देश को भी ले लीजिए तो देश में भी यही स्थिति है कि आज जनता जो है त्रस्त है इस सरकार से और अपनी बात को भी नहीं कह पा रहा है, जबकि आर्टिकल 19 में यह व्यवस्था है कि आदमी स्वच्छंद अपना विचार रख सकता है, लेकिन अगर आप अपना स्वच्छंद विचार रखेंगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा और आपके खिलाफ इतना तांडव रच दिया जाएगा कि ताकि अगला आदमी अपनी बात को कहने से सहम जाए, डर जाए, आगे उठा नहीं सकता है। आप कानून के जानकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं पेशे से, और जिस तरह से बारीकियों को आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तो भैया इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, मगर जिस तरह से आपने आर्टिकल 19 के बारे में बताया और जिस तरह से धारा के बारे में बताया, तो जाहिर सी बात है हम मुद्दा को उठाना चाहें भी तो नहीं उठा पाए। एक सरकार का बहुत बड़ा ढिढोरा पीटा गया कि हमारी प्रदेश की सारी सड़कें मुक्त हैं, मगर हम लोकल की बात करेंगे, अपने ही आपके ही क्षेत्र की बात करेंगे। एक सोनरेचा जाता है रोड, उसकी बहुत बुरी हाल है। कोपा से कसारा जिस पे तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मेरे जानने वालों का 5-6 लोगों का हो चुका है और बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी तो आंसू निकलते हैं उस रोड से जब हम जाते हैं वहाँ तक कसारा के लिए। इंदारा से कोपागंज से देखे होंगे इंदारा का रोड है, करीमाबाद वाले रोड का हाल बुरा देख रहे हैं। क्या लोकल में लोग नहीं रहते यार, सरकार ध्यान नहीं देना चाहती? देखिए, लोकल में लोग नहीं रहते हैं, सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है, अच्छी बात आपने कहा। लोकल में इस सरकार की निगाह में केवल वो लोग हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, दलित हैं, बैकवर्ड जाति के लोग हैं, वो लोग रहते हैं। इसलिए सरकार का पूरा ध्यान फोकस जो है शहर के तरफ है, गांव की रोडों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारी एक सड़क है, यहाँ पेट्रोल पंप से संदुराई छुट्टी हुई चली जाती है बर्थिया, एक कोपागंज मोड़ से कसारा को जाती है, कोपागंज मोड़ से एक दही थानी दारा को जाती है। मैं इस पर कई बार लिख चुका, मैं पहले इस पर धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अभी कुछ साल भर पहले का ले लीजिए, तो साल भर पहले सभी सड़कों पर एक स्लिप लग गया था कि सरकार द्वारा इन सड़कों को बनवा दिया गया है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि सरकार ने अभी एक साल पहले बनवाया और वो गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, पता ही नहीं चल पा रहा कि यह वास्तव में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। पहले जिक्र हुआ करता था बिहार का कि बिहार के अब जब अगर जान ला कि जो रोड टूटल हुई चल जब समझ लग वहीं से बिहार शुरू हो जाएगा, तो आज बिहार की स्थिति यूपी में हो गई है। कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहां आप देखेंगे, केवल यह है कि दूसरे के नाम पर दूसरी सरकारें ने जो किया उसका नाम चेंज करके अपनी कर लीजिए, बस यही इस सरकार की सबसे बड़ी काबिलियत रही है। और काबिलियत इसलिए रही है कि इनके पास वो सारे मशीनरी हैं, ईडी है और तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो थोड़ा सा भी अगर आप कहेंगे तो उनका चाबुक चल जाएगा कि वहीं आप शिथिल हो जाएंगे। एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए, ये पूर्ववर्ती सरकार की स्कीम है। इन ये अपनी ये सरकार, बीजेपी सरकार, कोई एक नई स्कीम बता दे जो खुद उन्होंने किया है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ, चूँकि ये सरकार की व्यवस्था है कि जब देश में महामारी दैवी आपदा आती है तो भारतीय संविधान वह व्यवस्था है कि अपने देश, अपने क्षेत्र के, अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों को जीवित रखने के लिए उनके लिए व्यवस्था उसमें मौजूद है। लेकिन यह सरकार जैसे ही कोरोना काल चला तो इन्होंने राशन वितरण की प्रक्रिया लाया कि मैं मुफ्त में राशन बांट रहा हूँ, जबकि वो संवैधानिक व्यवस्था है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अगर सत्ते में जनता आती है तो उसकी व्यवस्था आप करें, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटा गया कि मैंने मुफ्त में राशन दिया। इस समय एक और नई स्कीम चल गई है इनकी कि राशन तो दे रहे थे, एक झोला भी दे रहे हैं और उस झोले पर जोगी जी और मोदी जी का फोटो है। मैं पूछना चाहता हूं जोगी जी और मोदी जी से कि उस झोले से आप क्या जनता को सबक देना चाहते हैं? क्या यही ना कि हर घर घर में झोला पर टांग करके जोगी और मोदी का फोटो देख लिया जाए, यही इनकी मंशा है। लेकिन उस झोले में की कीमत में अगर कास्ट देखा जाए तो कम से कम 100 रुपये होगा और उस झोले का कोई उपयोग नहीं है। उससे क्या है, राशन आदमी वैसे भी बोरा में लेके जाता था, आज भी लेके जा रहा है, लेकिन उस झोला को देने का क्या मतलब? तो इस तरह से सरकार चूंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लाती है कि जनता उसी में भटकती रहे। जैसे अभी आपने देखा किसान बिल का घोषणा हो गया कि नहीं हम वापस ले रहे हैं और फिर पता चला कि वो वापस नहीं हुआ, या एक ढिढोरा पीटने के लिए देखिए मैंने वापस ले लिया और फिर किसान को जब भनक मिली फिर किसान